मैं सारिका पंकज, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम पहले भी संसद के विषय में बात कर चुके हैं, संसदीय शब्दावली के विषय में, और आज हम बात करेंगे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के विषय में। इस टॉपिक से जुड़े किन किन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे वो सबसे पहले आपको बता देती हूँ। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, संसदीय विशेषाधिकार किससे मिलता है, संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार क्या होते हैं, संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं और संसद की शक्तियां क्या हैं, साथ ही संसदीय विशेषाधिकारों का हनन किसे कहते हैं, संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं संसदीय विशेषाधिकार किसे कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। ये हैं संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। भारत के संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इन विशेषाधिकारों के मुख्य उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों के पद की सर्वोच्चता को बरकरार रखना है। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है, लेकिन संसद सदस्यों को ये अधिकार उनके नागरिक अधिकारों से मुक्त नहीं करता है। आइए अब जानते हैं किन्हें मिलते हैं ये संसदीय विशेषाधिकार। ये अधिकार मुख्य रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलते हैं। इसके अलावा ये अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं जो कि संसद की किसी भी समिति में बोलते और हिस्सा लेते हैं। इसमें भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति भले ही संसद का हिस्सा होता है, लेकिन उनके पास संसदीय विशेषाधिकार नहीं होते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। ए, संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार, इसे भी अलग अलग कई हिस्सों में बांटा गया है। पहला, संसद में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सदस्य या बाहरी बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी, सिविल या आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। दूसरा, किसी न्यायालय को सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही की जांच कराने का अधिकार नहीं है। तीसरा, संसद अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है और राष्ट्रहित के कुछ मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती है। चौथा, संसद के दोनों सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन, संसद का अनादर करने के मामलों में संसद सदस्य और बाहरी लोगों को चेतावनी और दंड भी दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति सदन का सदस्य है तो उसे सदन से बर्खास्त भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी, संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार। इसे भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय संसद सदस्य या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति किसी न्यायालय में लंबित मामले में उपस्थित होने या कोई प्रमाण प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। दूसरा, संसद सदस्य की संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अधिकार केवल सिविल मामलों में प्राप्त है। तीसरा, यदि कोई संसद सदस्य सदन या किसी समिति के सामने कोई बात कहता है तो इसके लिए उसके ऊपर किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती,
इसके अलावा उसे सदन में भाषण देने का भी अधिकार होता है। अब हम जानेंगे संसद की शक्तियां क्या क्या हैं। पहला, संसद के प्रत्येक सदन को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। अन्य व्यक्तियों को किसी भी समय दीर्घा से हटाने की शक्ति, प्रक्रिया के नियमों के अधीन अध्यक्ष और सभापति को ये अधिकार है कि अजनबियों को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दें। दूसरा, अपने आंतरिक मामलों का विनियम करने की शक्ति। संसद के प्रत्येक सदन को ये शक्ति है कि वो अपने कार्यवाहियों को नियंत्रित और विनियमित करे और चार दीवारी के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों का न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विनिश्चय करे। संसद की चारदीवारी के भीतर जो कहा या किया जाता है उसके बारे में कोई भी न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता। तीसरा है, सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों के सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने की शक्ति। प्रत्येक सदन विशेषाधिकारों के भंग या अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ये दंड भर्त्सना, दिग्दंड या अवमानना के रूप में हो सकता है। ब्लिट्स के विख्यात मामले में उस समाचार पत्र के संपादक को लोकसभा में बुलाया गया और संसद के सदस्य की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल लेख प्रकाशित करने के लिए दिग्दंड दिया गया। 1990 में एक पूर्व मंत्री श्री के तिवारी की राज्यसभा ने इसी प्रकार का दंड दिया था। अब हम बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकारों का हनन किसे कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी संसद सदस्य के व्यक्तिगत या सामूहिक विशेषाधिकार का हनन करता है, जैसे कि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, हमला करना इत्यादि, इस तरह के कृत्य संसदीय विशेषाधिकारों का हनन माने जाते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाएं क्या हैं? यद्यपि संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में मौजूद है, फिर भी इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदा कदा मीडिया द्वारा सांसदों की आलोचना करने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, विशेषाधिकारों के उल्लंघन का कानून राजनीतिज्ञों को स्वयं के मामले में स्वतः न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा सदन में की गई घोषणा का आश्वासन को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। चौथा और आखिरी है, कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में भी इसे प्रयोग किए जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार ऊपर बताए गए सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि देश में संसद के प्रति सम्मान और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की इज्जत में इजाफा हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चुनाव जीत जाने के बाद ये प्रतिनिधि ही जनता की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन जनता से उम्मीद करते हैं कि वो इनकी इज्जत करें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि संसद सदस्य कई बार अधिकारियों और जनता से बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। इसे संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग कहा जाता है। इसलिए समय की मांग ये है कि यदि जनता का शासन जनता के लिए वाली कहावत को चरितार्थ करना है तो इन संसदीय विशेषाधिकारों में फेरबदल की सख्त जरूरत है। आज आपने जाना कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं और उससे जुड़े मामले। इस तरह के किसी भी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही आप अगला वीडियो इस तरह का कैसा देखना चाहते हैं। नमस्कार।